रेडमी इंडिया का नंबर वन डिवाइस है और काफ़ी पॉपुलर है। इसका रीज़न ये है कि ये मार्केट में जितने भी डिवाइस है उसे फीचर के साथ साथ यहाँ पर हर एक सेक्टर में काफ़ी कड़ी टक्कर देती है। लेकिन सिर्फ इसका एक ही यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो है इसका OS यानी कि MIUI का अपडेट टाइम से न मिलना और बहुत सारे ऐसे डिवाइस जो कि काफ़ी पॉपुलर है उसे अपडेट देकर बेकार बना देना। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट का जो यहाँ पर डिसीजन है Xiaomi का वो काफ़ी स्टेबल नहीं रहता है और इस बार ही कुछ ऐसा ही हुआ है। MIUI 11 का स्टेबल अपडेट आना था Redmi K20 Pro में सेकेंड बैच में, लेकिन इसे पहला बैच में देखने को मिला है और ये 2.2 GB का अपडेट है। 11.0.1.0 का ये अपडेट है और ये एंड्रॉयड क्यू बेस्ड है, यानी कि 70% यूजर को कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अपडेट नहीं मिला था एंड्रॉयड क्यू का, अभी भी वो एंड्रॉयड 9 पर रन कर रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी Redmi K20 Pro के यूज़र हैं उनके लिए OTA में अपडेट मिल चुका है MIUI 11 के स्टेबल अपडेट का एंड्रॉयड क्यू के साथ और काफ़ी बिग साइज का फाइल है, 2.3 GB अबव का फाइल आपको देखने को मिल जाता है, तो इसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपडेट की बात, अब बात करते हैं न्यू फीचर्स। तो MIUI 11 के स्टेबल के अपडेट में बहुत सारे न्यू फीचर्स दिए गए हैं जो कि खास करके Redmi K20 और Redmi K20 Pro को सपोर्ट करता है और यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साउंड इफेक्ट जो है कुछ यहाँ पर पहले से भी था और एक दो ऐड किए गए हैं MIUI 11 के स्टेबल अपडेट में। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर Redmi K20 और Redmi K20 Pro के लिए जो कि MIUI 11 की स्टेबल अपडेट में आपको देखने को मिलता है वो है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो कि Redmi K20 में अपडेट मिला था सेम चेंज लॉग आपको Redmi K20 Pro में भी मिलता है, बस आपको एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड क्यू यानी एंड्रॉयड 10 का आपको देखने को मिल जाता है। सेम UI आपको देखने को मिलता है जो कि Redmi K20 में आपको देखने को मिला था। इसके अलावा जो सबसे अच्छा फीचर थी वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत सारे क्लॉक स्टाइल आप सेट कर सकते हैं जो कि एनालॉग, डिजिटल, सिग्नेचर और यहाँ पर सेलेक्टेड बैकग्राउंड के अंदर जो पहले से दिया हुआ था वो सारे आप क्लॉक स्टाइल अपने फ़ोन में काफ़ी आसानी से सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वही सारे फीचर्स मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जो कि आपको Redmi K20 में मिला था और अभी जब आप अपडेट करेंगे तो आपको Redmi K20 Pro में ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर मी शेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन को इंक्रीज कर दिया गया है जो कि पहले नहीं था, तो इसे भी आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा MI मूवर का भी सपोर्ट मिला है। तो ये कुछ नए ऐसे फीचर्स है जो कि पहले MIUI 10 के अपडेट में नहीं था, उसे सिर्फ इसी अपडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बाद इसे स्टेबल के रूप में दिया गया है। अब ये अपडेट कितना स्टेबल है ये तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अभी अगर आपके पास Redmi K20 Pro डिवाइस है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एक नया यहाँ पर फीचर जो कि लॉन्च इवेंट के दौरान बताया गया था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं वो एक थंबनेल की तरफ बनता हुआ दिख जाएगा ताकि इसे सर्च करने में ज़्यादा टाइम ना लगा पाए आप। और यहाँ पर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है तो उसे थंबनेल अगर उसका बन जाता है तो ईजिली आप यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि MIUI 11 के स्टेबल अपडेट के जो लॉन्च इवेंट था उस दौरान बताया गया था, तो वही सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर Redmi K20 Pro का अपडेट को फर्स्ट बैच में आना, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड बैच के लिए अपडेट था ये डिवाइस था, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो भी डिवाइस लिस्टेड है उसका जो अपडेट है वो अपने शेड्यूल से ना आकर या तो आगे या तो पीछे हो सकता है, तो इस पर भी आप डिपेंडेंट मत रहना। डार्क मोड का फीचर्स पहले ही मिलता था, अभी मिलता है, लेकिन डार्क मोड में आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, आप इसे सेट कर सकते हैं कि आपको डार्क मोड कब से कब तक चाहिए। तो यही था इन्फॉर्मेशन Redmi K20 Pro के लिए MIUI 11 के स्टेबल अपडेट का। इसका OTA ROM भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने अपडेटर से चेक कर सकते हैं कि आपका Redmi K20 Pro में ये अपडेट होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो एक से दो दिन के बाद आप ट्राई करें, ये अपडेट ज़रूर आपके डिवाइस में हो जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक।